जो नजदीक रहता है ना वो हमेशा लेट होता है। और भीड़ देखो भाई, और थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गया होगा आज मैं जाने वाला हूँ गढ़वाली मूवी देखने सुबह रोहम पार्ट टू। तो जो आज लगने वाले मिरर सिनेमा मेरे घर के पास ही है, तो टिकट अभी तक निकाला नहीं है मैंने, टिकट वहीं जाके निकालूंगा। एंड आज संडे है तो अपना जरा नाश्ता दिखाता हूँ आपको। तो मैं आज खा रहा नाश्ते में नूडल्स, एंड ये मम्मी ने बनाया है भजिया पाव ले गया हमने, और ये देख रहा हूँ मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये है मेरा कप। 4 बजे का शो है एंड वहाँ पे मैं जाऊँगा, 3-3.5 बजे निकलूँगा यहाँ से, मतलब यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस 10-15 मिनट है मेरा, तो वहाँ पे जाते हैं 10-15 मिनट लग गया। तो सिचुएशन क्या है, टिकट कैसा है, मिलता है, कितनी लाइन है, मतलब भीड़ देखूँगा, तो उस सबसे मैं पहले निकल रहा जल्दी, ठीक है, फिर वहीं जाके बात करेंगे, ठीक है, चलो। सो गाइस मैं तो रेडी हो चुका हूँ, बज चुके हैं 3:15 शाम के, एंड 4 बजे का शो है तो फटाफट निकलते हैं, मैं रेडी हो चुका हूँ। एंड अभी फिलहाल मैं ये बैग लेके जा रहा हूँ, ये मेरा टेम्प्रेरी बेसिस बैग है, ये मैं जो डेली यूज के लिए रखता हूँ ऑफिस वॉफिस जाने के लिए। एंड मेरा एक और बैग है वो है ब्लू वाला, सो वो कभी कभार मैं लेके जाता हूँ, तो मैं ले जा रहा हूँ फिलहाल ये, एंड इस पर रखते हैं थैली क्योंकि वहाँ से डी मार्ट पर जाना है, तो चलो वहाँ मिलते बराबर। चलो चलो softly spoken with no strings tying you to me, I'm happy in your company with no emotion. So guys ghar se nikal chuka hu movie dekhne ke liye subah rogam part 2, and abhi jo poster dekha piche to timing pata nahi chal raha yaar, kyun piche poster mein likha hai 2:30 PM and jo mujhe yahan pe baj jo hai, and jaisa hamesha ka hota hai matlab jo hamesha jo nazdeek rehta hai na wo hamesha late hota hai, dur rehta na wo hamesha jaldi aa jata hai, ये हमेशा का होता है क्योंकि हम सोचते हैं कि आराम से जाएंगे, टाइम क्या लगेगा, एंड सही में अभी 3:30 मुझे यहाँ पे हो गया। और हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि 3:30 इधर मुझे पोस्टर में दिख रहा है, एंड 4 o'clock का मुझे दिख रहा है शो मिरर सिनेमा में जहाँ पे वो लगी है मूवी, लगने वाली है मतलब, तो देखते हैं लगते उधर क्या है। मिरर सिनेमा वाला सही रहेगा ऑब्वियसली, 3:30 बजे आई थिंक बुलाया होगा कि सब इकट्ठा हो जाए इसीलिए, तो लेट्स गो देखते हैं कैसी मूवी रहेगी। इस मेरे पीछे है मिरर सिनेमा, एंड अभी खड़ा हूँ आपको दिखाता हूँ, लोग आए हैं, भीड़ देखो भाई, चलो अंदर चलते हैं, काफ़ी भीड़ हुई है भाई, तो आपको टिकट भी निकालना है अभी, तो क्या बोलते भाई एक बार के ब्लॉग में हम लोग भी आने चाहिए। आ जाओ भाई, मैंने टिकट ले लिया है, एंड जैसे कि आप जानते हैं कि अभी पेपरलेस हो चुका है सब, सो टिकट आया अपन को ऑनलाइन, मतलब मैसेज आ गया है वो दिखाना है, एंड फिर अंदर एंट्री होगी, एंड बहुत भीड़ हुई यार, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। तो गाइस अंदर आ चुके हैं, एंड धीरे धीरे पब्लिक भी आ रही है, मुझे अपना सीट नहीं मिली अभी तक। सो अपना है G3, जी किधर होगा, एल है इधर। सो गाइस फाइनली सीट मिल चुकी है, really do commitment, trust me, consider your message received.
हाँ नमो राजवार लानो श्री गणेश देव जी गौरा ये कोई दिन नहीं होंदो जब तुम मैं ते याद नहीं आ आज भी याद आ दिन व तेरी सुनियाली आंखी माल कुछ से फर्क नहीं पड़नो जा यकन बहुत परेशान छु मैं ना भेजी ना अपन माता छोड़ी ते मैं कहीं नहीं जा सकदो सो गाइस फाइनली मूवी का इंटरवल हुआ है 2 घंटे बाद सो गढ़वाली मूवी है मुझे तो कितना चलता है 2 घंटे बाद है अभी शायद 1 घंटे का और रहेगा शायद 3 घंटे का मूवी रहेगा आई डोंट नो बट मूवी मस्त चल रहा है अब तक एंड लास्ट में रिव्यू भी बताता हूँ चलो आर्मी ब्याह से तुम्हारे बहुत हल्ले गए हाँ कल चल बजना है तो मेरा अंदर में क्यों होते हैं सो गाइस फाइनली अपनी मूवी खत्म हो चुकी है एंड बज चुके 8 तो मतलब 4 घंटे की मूवी थी एंड अब मैं जाऊंगा डीमार्ट जाना है मुझे मैं उड़ गया था बीच में एंड फिर खड़े होकर आगे मूवी देखी मतलब फिर पूछा उनको साफ को कितना टाइम और लगेगा ऐसा नहीं कि मूवी खराब थी मूवी अच्छी थी लेकिन काफ़ी लेंथी हो गया था घर पर पहुँच के पूरा रिव्यू बताता हूँ सो गाइस डीमार्ट से निकल चुका हूँ एंड अभी सो गाइज आज है थर्सडे एंड आज मैं शूट कर रहा हूँ संडे को मैं घर पे आया एंड काम वाम में बिजी हो गया घर के काम में मतलब इधर उधर बाहर जाना सो आज मैं बताऊंगा पूरी मूवी क्योंकि मुझे ऐसा ही नहीं बताना था कि मूवी कैसी है एंड क्या है एंड मूवी किस टॉपिक में बात कर रही है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात कर रही है सो इसीलिए मैं चाहता कि ऐसे शूट ना करो उसे ठीक है तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा उर्मी नेगी के बारे में उर्मी नेगी जी ने जो फिल्म बनाया एंड जो इनिशिएटिव लिया है ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मतलब इस बारे में बात करना मैंने उनके इंटरव्यूज भी देखे तो मुझे मालूम पड़ा कि वो भी चाहती है कि रीजनल सिनेमा आगे बढ़े और अपना गढ़वाली सिनेमा आगे बढ़े एंड मैं भी वही चाहता हूँ कहीं ना कहीं क्योंकि जब मैंने मराठी सिनेमा देखा था टू बी ऑनेस्ट तो मुझे ऐसा लगा था ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे मराठी महाराष्ट्र में रहता था इसलिए बोल रहा हूँ लेकिन जब मैं मराठी सिनेमा देखा और जब उनको ग्रोथ होकर देखा ना मैं इतना खुशी हुआ दिल से ना कि मुझे लगा कि वाह अपना मराठी सिनेमा आगे बढ़ रहा है उसी तरह मैं चाहता हूँ अभी कि हमारा गढ़वाली सिनेमा भी आगे बढ़े एंड उसी तरह आप देखो कि मलयालम सिनेमा कितना टॉप पे है अभी जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ मराठी मलयालम सिनेमा इतना आगे है सो मैं चाहता हूँ कि अपना गढ़वाली सिनेमा आगे बढ़े एंड उर्मी नेगी ने भी कहीं ना कहीं वो पॉइंट आगे लेके गई है एंड बहुत अच्छा इतने टैलेंटेड है रिटन डायरेक्टेड एंड एक्टेड बाय उर्मी नेगी बहुत बड़ी बात होती है मुझे मालूम है एक शॉर्ट फिल्म मैंने बनाया था लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे ठीक है हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा एक पॉइंट है कि जो उन्होंने टॉपिक पे बात किया पलायन के बारे में कि पलायन जो वर्ड है मुझे भी नहीं मालूम था पलायन क्या होता है लेकिन जब मैंने सृष्टि लखेरा का एक मूवी देखा था मूवी डॉक्यूमेंट्री आई थी मामी में मामी फेस्टिवल में 2021 में आई थी आई थिंक 2020 में उनको अवार्ड मिल चुका था तो मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ मेरा स्क्रीन में है सृष्टि लखेरा को बधाई गोल्डन कैटेगरी में नॉमिनेट हुई फिल्म एक था गाँव तो ये एक था गाँव सो ये आई थी ये लेडी है वो एंड ये उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई सो ये डॉक्यूमेंट्री जब मैंने देखा था ना तो मेरा माइंड ब्लोन हो गया था मैं बोला कि क्या है मस्त इतना अच्छा तरीके से बताया था ना इतने सुंदर तरीके से बताया था ना कि सिनेमाटोग्राफी सब A1 था तो मैंने बोला ये अकेली कैसे कर सकती यार लेकिन जब लास्ट में जब पूरा कास्ट का पढ़ा कितने क्रू मेंबर्स थे वो पढ़ा मैं बोला बाप रे मीन्स नेक्स्ट लेवल बनाया इन्होंने जो सेटअप लेके गए होंगे उनको ही मालूम देखो डॉक्यूमेंट्री
मैं आपको बता, डॉक्यूमेंट्री बहुत चलने वाला है अभी आगे से। फिल्म थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन डॉक्यूमेंट्री लोगों को पसंद आएगी, लोगों को रियलिटी पसंद है। बोलते ना एट द एंड मिट्टी की मूवी चलती है, तो वही बात है, लोगों को पसंद है कि रॉनेस पसंद है लोगों को, मेन बात जो रॉनेस रहता है ना गांव का एक रॉनेस रहता है तो वो पसंद। तो ये मूवी में वही बताया कि कैसे पलायन के बाद एक जो बूढ़ी आंटी है वो कैसे अकेले रहती है, उसके सब बच्चे लोग सब देहरादून चले जाते हैं वो। तो आप देखो इसको, मुझे वापस देखना लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है ये, सो आप भी देखना इसको ढूंढो अगर मिला था कभी। एक था गांव नाम है इसका डॉक्यूमेंट्री का, तो जरूर देखना ठीक है। चलो फिर हम लोग आते हैं सुबेरो घाम में। सुबेरो घाम पार्ट टू, पार्ट वन में मैं देखने गया था, किंग सर्कल में लगी थी एंड पार्ट टू में देख के आ गया। मूवी अच्छी है, बहुत सोच समझ के बनाई गई है एंड वही बात करती है कि जो समाज में चल रहा है वही बात करती है, कैसे लोगों को गांव वाले लोगों को लगता है कि मुंबई वाले कितने ऐशो आराम में जी रहे हैं, कैसे कार में जी रहे हैं, लेकिन वो एट द एंड कैसे रहते हैं। वो रियलिटी जब उनको हिट करती है तब उनको मालूम पड़ता है कि कैसा है क्या है। सो बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छा तरीके से बताया है। बोलते ना फिल्म में एक आईना होता है कि समाज का, तो उन्होंने यही आईना दिखाया है भाई कि जो समाज करता है, जो पीठ पीछे बात करता है, वो सब उन्होंने फिल्म में बताया। तो मुझे वो फिल्म की ये बात बहुत अच्छी लगी ठीक है। बाकी बात करते हैं एक्टर की, उर्मी नेगी तो थी, उन्होंने अच्छा काम किया है। बीच में घन्ना भाई भी दिखते हैं, उनका छोटा सा रोल है, मुझे तो थोड़ा लेंदी होता था और अच्छा होता क्योंकि अच्छा कॉमेडी पकड़ते। लेकिन कॉमेडी की जो बात करें, एक लड़के ने बहुत अच्छा संभाल लिया, मुझे वो एक्टर का नाम नहीं, मैं ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मिला नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं उनका सीन डाल दूंगा लास्ट में क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि वो जब भी आ रहे थे लोगों के चेहरे पे खुशी आ रही थी एंड उससे ज़्यादा क्या चाहिए एक फिल्म में ठीक है। एंड उनके जो बेटे का रोल भी उन्होंने, बेटे का रोल था एक्टर ने उन्होंने किया, बहुत अच्छा काम किया वो भी। बाकी सब कैरेक्टर्स सब अच्छे थे ठीक है। सो यही था मेरा फिल्म का रिव्यू एंड मैं तो बोलूँगा मोर पावर टू उर्मी नेगी, ऐसी फिल्म और बनाओ ठीक है। एंड मोर पावर टू द गाइज जो भी बना रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं ऐसा करने की कि रीजनल सिनेमा आगे बढ़ाने की, तो बनाओ यार, हमें भी देखना है ठीक है। सो वीडियो इधरी एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो एंड शेयर करो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो, बस इसी बात वीडियो एंड करते हैं। सो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले स्माइल करो, खुश रहो, चल बाय। ना भैजी ना, अपने माता छोड़ी तुम्हें कहीं नहीं जा सकते, तुम ही बतावा कैसे भरोसा छोड़ूंगी रहे थे मैं तक, ये गांव में ही करण पड़ा ना कुछ ना कुछ। ले बीड़ी छोड़ा मां। ना ना भाई जी, चलो मैं जाने छुए। अरे बात तो सुनो, अरे बात तो सुनो, अबे चल ले मुंबई, जिंदगी बढ़ जाली, जिंदगी बढ़ जाली चाचा, मैं भी तो छो यार अपना दादा ते छोड़ी आणो पागल आदमी। पर मैं तो दिन लग दो कि मेरे दादा कहीं पहली न खुश हो जा, पर चला खुश हुए भी जा तो ठीक तच बुढ़े दिमाग खराब कर रहे, रात भर खसुड़ू रह दो और मेरा कान खराब करो रह दो और पदड़ू भी रह दो और मेरा बिल्कुल नाक का नगड़ फोड़े ले भी। चला थोड़ा